दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं वेज मोमोज और इस चटनी की भी रेसिपी अपलोड है, तो चलिए बनाते हैं मोमोज। ये मैंने मैदा ले लिया है, मैदा में डालेंगे नमक, 2 चम्मच ऑयल और पानी डाल के आपको जैसे आप रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा गूंद लेना है और आपको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। ये एक बर्तन ले लिया मैंने, 2 कटोरी चॉप पत्ता गोभी, 1 कटोरी चॉप शिमला मिर्च, कद्दूकस किए हुए गाजर 1 कटोरी, 1 चम्मच नमक डालेंगे, मिला के आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच चॉप लहसुन, स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज 1 चॉप किया हुआ, हरा धनिया डाल देंगे, 3 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और इसे मिक्स कर लेना है। अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे, इसमें थोड़ा सा आटा आपको लगाना है और इसे आपको पतला बेलना है। सेंटर में आपको फीडिंग डाल देनी है ये, और देखिए एक उंगली को दूसरी उंगली में टच करते हुए इसे पिरो लेना। ये देखिए ऐसे, ये मैंने बॉईल होने के लिए पानी पहले रख दिया था। इसके ऊपर हम छन्नी वाली जो प्लेट आती है वो रख देंगे, मोमोज रख देंगे, ढक के आपको 15 मिनट तक स्टीम कर